हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। कुछ मैं भी ठीक हूँ। तो देख सकते हो मैं रेडी हो गई हूँ। वही रक्षाबंधन वाला गेटअप है हमारा, रेड कलर की साड़ी जो है हमारी मस्त। थोड़ा रात हो गया इसलिए अच्छे से नहीं दिखा सकते बाहर, वरना दिखाते हैं। रक्षाबंधन में भी, रक्षाबंधन के ब्लॉग में भी मैंने फुल अपना गेटअप नहीं दिखा पाया था क्योंकि थोड़ा जल्दी 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 में हर चीज़ें हुआ ना इसीलिए। और आज भी जल्दी है मतलब जल्दी ही है। तो आज है हस्बैंड जी का मेरे बर्थडे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, कुछ सेलिब्रेट करेंगे। जो कुछ भी करेंगे आप लोग भी देखना, और जो हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा, और कमेंट सेक्शन में बर्थडे विश करके तभी जाना। आप लोग ब्लॉग पूरा देख ले तो लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो। तो चलते हैं नीचे, हस्बैंड जी हमारा वेट कर रहे हैं। तो अभी हमारा कोई मूड नहीं था ब्लॉग स्टार्ट करने का, क्योंकि जब कोई दिखता ही नहीं तो मन भी नहीं करता इतना ज़्यादा। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब कोई मतलब दिखता है या सब कुछ होता है, फिर भी लेकिन हमने कहा चलो देख कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अपने लिए करेंगे ना, एक ही यादें बन जाती हैं हमारी, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम कुछ दिनों बाद देखेंगे तो याद रहेगा कि हमने ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किया था ये चीज़ें। तो कुछ चीज़ें अपनी भी मेमोरी याद रखने के लिए करते हैं हम। तो चलते हैं फ्रेंड, गाड़ी में मिलते हैं क्योंकि हस्बैंड जी गाड़ी वाड़ी निकाल चुके हैं, सीटी मार रहे हैं बाहर से, पी पी कर रहे हैं। तो चलते हैं हम अभी। अभी फ्रेंड हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर पतिदेव चलाते हुए गाड़ी, थोड़ा लाइट कम, लाइट ज़्यादा करेंगे तो इनको चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप देख के लेकिन अभी जो क्लियर नहीं, अभी एकदम क्लियर नहीं दिख रहे। हम वहाँ पहुँच के इनका दिखाते हैं, इनका लुक। वैसे लड़कियों का लुक नहीं दिखाते हो, वैसे आज इनका हम लोग दिखाएंगे कैसे लग रहे हैं, बताना कमेंट करके आप लोग। अभी फ्रेंड हम पहुँच गए रेस्टोरेंट, मनपसंद रेस्टोरेंट अपने पराग रेस्टोरेंट, न्यू पराग। अच्छा वो एक पराग रेस्टोरेंट दूसरा है ना, वो पुराना हो गया दूसरा, ये पुराना, ये नया है। मेनू मिल गया, आज आपको बर्थडे आपके पसंद से खाएंगे जो खिलाओगे। ये जो सबसे कठिन काम होता है ना कि चूज करो क्या खाना है, वो तुम टाल रही हो। नहीं टाल नहीं रहे, आज आपका बर्थडे तो आपके पसंद से खाया जाएगा, जो कुछ भी खिलाओगे खाएंगे। ऐसा कुछ खिलाना कि जो हमें भी पसंद हो और आपको भी पसंद हो। देखते हैं। ओके, मैंने तो मंगाई है पहले चाउमीन, करते हैं नाश्ता, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या डिसाइड करते हैं। अभी तो पहले ये डिसाइड हो जाएगा हम लोग खाएंगे क्या, खाएंगे क्या, पहले चाउमीन खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या खाना है। यहाँ की चाउमीन बहुत बेस्ट होती है इसीलिए हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। लोग हस्बैंड जी को तो वेट भी नहीं हो रहा है ये, बढ़िया। अभी फ्रेंड हमारा खाना आ गया, तो हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर और नॉर्मल रोटी एंड सलाद। खाने में जुटे क्या, एक एक सलाद खा जाऊं मैं, छोड़ूंगा नहीं। एक एक सलाद खा जाए। अभी फ्रेंड हम लोग का खाना वाना हो गया, अब चलते हैं। अगली बार ऊपर रहते हैं। चलिए फ्रेंड चलते हैं, हो गया हमारा खाना पानी। तो फ्रेंड अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, मतलब रूम पे पहुंच गए हैं अपने, मतलब मैं आ गई हूँ ऊपर और हस्बैंड जी अभी नीचे हैं, दरअसल अपनी गाड़ी सेट करने में लगे हैं और उसमें जो मैट वगैरह डालते हैं उसको डालने में लगे। मैं कहीं चलती हूँ नीचे, थोड़ा चेंज वेंज करूँगी, ऊपर चल रही हूँ। तो मैं आ गई ऊपर और बर्थडे मेरा, मतलब सॉरी बर्थडे मेरा, मैं कह रही बर्थडे हस्बैंड जी का था और गिफ्ट मुझे मिले हैं। समझ में नहीं आ, मतलब पतिदेव का बर्थडे और मतलब मुझे गिफ्ट देना चाहिए उनको, बट वो उन्होंने आज मुझे दिया गिफ्ट, कई सारे मतलब दो गिफ्ट दिए। एक तो मेरे लिए लिपस्टिक बहुत अच्छी मंगाई, एक तो मैंने लगा रखी है ये मैजेंटा कलर में है, और एक बहुत लाइट कलर है, मतलब अच्छे लग रहे हैं, वो भी कभी लगाऊंगी फिर बताऊंगी। तो अच्छी खासी लिपस्टिक मुझे दिए गिफ्ट में, और मेरे लिए वॉच भी लेके आए, क्योंकि ये ना मुझे ये स्मार्ट वॉच का ना मुझे थोड़ा सा शौक भी था, लेकिन अभी मैं ले नहीं रही थी कि चलो ठीक है ले लूँगी बाद में ले लूँगी, ऐसा था ना कि यहाँ से मैं नहीं लूँगी और जैसे मैं लखनऊ जाऊँगी तो फिर कभी लूँगी, बट
छुट्टियों में जाते थे ना तो टाइम ही नहीं मिल पाता था छुट्टियों में जाना, फिर वापस आ जाना, तो कभी मार्केट जा नहीं पाए। तो अभी हस्बैंड जी ने मेरे लिए मंगवा के दिया, तो मतलब सरप्राइज हो गए हम बर्थडे उनका गिफ्ट मुझे मिला। और मैंने उनको एक शर्ट गिफ्ट दी है, शर्ट नहीं कह सकते उसको, कुर्ता कहेंगे, शॉर्ट वाले जो कुर्ते होते हैं, और उसी को वेयर किए हैं, मतलब पहन रखे हैं। तो अभी हम आते ही ऊपर फिर दिखाते हैं आप लोगों को, तो बताना कि उनके ऊपर कैसा लग रहा है कुर्ता। चलो आ जाओ, हम तुम्हारा कुर्ता दिखाते हैं जो मैंने गिफ्ट दिए। मैंने कहा बर्थडे है हस्बैंड जी का है और गिफ्ट मुझे मिले, मेरे लिए लिपस्टिक मंगवाएं अभी अच्छी खासी, और मेरे लिए स्मार्ट वॉच। हमको बहुत दिन से रो रही थी दिला दें। तो दिखाते हैं इनका कुर्ता। तो ये है फ्रेंड, हमने जो कुर्ता दिया इनको गिफ्ट में बर्थडे गर्ल, बर्थडे बॉय को, बर्थडे गर्ल कह रहे हैं। अच्छा लग रहा, गर्मी में पहनने लायक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना। मतलब पहली बार तो इनको कोई ऑनलाइन चीज़ें पसंद नहीं आती है, बट पहली बार इनको पसंद आई है, अच्छे लग रहे हो वैसे। क्या है ना, थोड़ा लूज है, गर्मी तो पसीना नहीं हो रहा इसमें ना, चीज़ बहुत बढ़िया है, स्मार्ट लग रहे हो। अगर थोड़ा टाइट वाइट होता ना तो फिर उसमें मज़ा कम होता, स्मार्ट लग रहे हो। तो फ्रेंड कमेंट करके बता देना कि इनका कुर्ता कैसा लगा आप लोग, ठीक है। और मुझे तो अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा। ये चीज़ें मेन चीज़ डिपेंड होता है, जिसको हम दे रहे हैं उनको पसंद आना चाहिए, तो इनको पसंद आया गया मेरे पतिदेव को, और आपकी भी गिफ्ट मुझे पसंद आई। तो मुझे पता है ना कि मैं अच्छी चीज़ देता हूँ, अच्छी चीज़ देता हूँ अपने भी कितना घमंड हो जाता है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक है, और इस ब्लॉग को मैं भी करते हैं एंड, जल्दी मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।